इतनी भीषण गर्मी में विद्युत विभाग की मनमानी काफ़ी चरम सीमा पर है। अमौर प्रखंड क्षेत्र के दलमालपुर पंचायत अंतर्गत दीनाटोली गांव में जर्जर बिजली का तार प्रधानमंत्री सड़क में गिरे 4 दिन हो गए, जिससे बिजली आपूर्ति ठप है। मगर बिजली विभाग को सूचना देने के बाद भी कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। बिजली विभाग का लापरवाही का आलम यह है कि पिछले साल बाढ़ से 11,000 का पोल झुक गया था, जिसे आज तक ठीक नहीं किया गया है। ग्रामीण बांस के सहारे पोल को बचाए हुए हैं। लगता है अब बिजली विभाग किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है। अमौर से सिटी हलचल के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। स्मृति जुपिटर इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला पूर्वोत्तर भारत का सबसे विश्वसनीय संस्थान स्मृति जुपिटर, ऑपोजिट मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, पटना। मामला क्या है? मामला जो मेरा वार्ड सदस्य मेंबर साहब जो बोला, मामला वही है, सेम और वही बात है। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं अगर मेरा बिजली सही तरीके से वो चलाए, या नहीं तो अगर नहीं चला पाएगा तो सारा मीटर लेके वो चले जाए यहाँ से। हम लोग को बिजली नहीं चाहिए। अच्छा, ये स्थिति कब से बनी हुई है? लाइन नहीं है तकरीबन 1 साल से। एक तो 11,000 का पोल है वहाँ पे गिरा हुआ है, पोल में अटका हुआ है। उसका भी कितना बार जाके हम लोगों ने बोले, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर आके फिर यहाँ 440 वोल्ट का तार शाम 7 बजे गिरा अचानक, रोड पे आदमी चल रहा उस टाइम, क्या पता किसका ऊपर में गिर जाता फिर क्या होता। लेकिन मेरा वार्ड सदस्य हम लोग को जाके बोले उनको, ये गया वहाँ पे, लेकिन इसके साथ में बदतमीजी हो गया। क्या मामला है? मामला ये है कि सबसे पहले 1 साल से जो है कि वो 11,000 वाला पिलर जो गिरा हुआ है, जैसे आपको बार बार हम कहें। दूसरा मामला था कि ट्रांसफार्मर में तेल देखना है, 1 फीट से हम लोग का लाइन आ रहा है गांव समाज में, और आने का कारण परसू जो है बीते 2 दिन के पहले जो तार जल गया है, उसमें भी हम जैसे आपको कहें कि आप आकर तार चेक कीजिए। ग्रामीण बोला कि आग लग गया सही, सचमुच आग लगा हुआ था। कहाँ आग लगा था? बेलका ग्राम में। किसमें? तार में। हाँ, तो क्या सूचना दिए? क्या बोला? सूचना दिए तो बोला ठीक है कल हो जाएगा। आज परसू से कल होते ही है, आज तक वो नहीं आया। फिर हम कल गए ऑफिस, मैंने 2 दिन 48 घंटे हो गए। हाँ, नहीं आया लाइन, नहीं है, नहीं चेक करने के लिए भी कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया, कोई चेक करने के लिए भी नहीं आया है। कितने कंज्यूमर है यहाँ पे? यहाँ करीबन 300 कंज्यूमर है। 300 कंज्यूमर है जी। गाँव कौन सा है? गाँव बेलका, दीनाटोल बेलका। वार्ड नंबर 9 है। 9 और बगल में धुरपैली पंचायत है, वो भी संलग्न है इसी ट्रांसफार्मर से। अच्छा, उन लोग भी वार्ड नंबर 2 पड़ता है। तो आप वार्ड सदस्य हैं जी? गए थे आप? हाँ गए हम। क्या आश्वासन मिला आपको? हमको आश्वासन पहले फोन में जो बात किए थे वो बोला ठीक है करवा देंगे ठीक। उसके बाद जब ऑफिस गए, ऑफिस से हम फोन किए जैसा आपको कि लाइन अगर आप ठीक न करवाते हैं, आज भी रात होने वाला है तो कैसे आप वहाँ का समाज रहेगा। तो वो बोलने लगा अभी तार उर नहीं, हम कहाँ से तार देंगे। उसके बाद बगल में जो एगो बिजली ऑपरेटर था, पशुपति नाम है, वो इतना बैकटेटी करने लगा, बोला जिस बाप के यहाँ यहाँ वहाँ जहाँ जाना है चले जाओ। इसका मतलब है जब उन लोग विभागीय आदमी ऐसा बोल रहा है, जब लाइन विभागीय आदमी ऐसा बोल रहा है तो हम लोग क्या करें। हमारे समाज का सब आदमी का एक ही बयान है कि हम लोग लाइन नहीं जलाएंगे, बिल्कुल हम लोग बहिष्कार करते हैं। आप स्वेच्छा से लाइन खोलकर लेकर चले जाइए, और जिसके पास बिल पाते हैं मीटर ले जाइए, बिल देखिए, उसके ऊपर बिल लीजिए, हम लोग लाइन नहीं जाएंगे। क्या नाम आपका? भीमलाल सिंह, वार्ड सदस्य है, 9 नंबर वार्ड का। इस ईद अपनों में प्यार और स्टाइल दोनों दिखेंगे, तो बिग शॉप के साथ खुशियों और फैशन का त्योहार पूरे परिवार के लिए सबसे शानदार और मनमोहक लुक की खरीदारी करें। कालीबारी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया। बिग शॉप पूर्णिया, कीजिए अपनी शादी की पूरी तैयारी हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन से। ब्राइडल एंड पार्टी वेयर लहंगा, शेरवानी, कोट सूट, साड़ी, गाउन, किड्स वेयर, सभी टॉप ब्रांड्स के साथ एकदम आपके बजट में। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।